इस आग में सब जलेंगे ये मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ और कह कह के थक रहा हूँ शायद कुछ लोगों को समझ आने लग रही है लेकिन अभी भी कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए जा रहे इस बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए आप बेशक ये कहते रहें इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है नज़र तो वही आएगा जो आप करते हैं आज से चार साल पहले मिशाल खान को उसकी यूनिवर्सिटी में मारा गया जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट का आगाज हुआ और उसके बाद अब काफ़ी सारे लोग शुरू हो गए अब से तकरीबन दो महीने दस दिन पहले श्रीलंकन आदमी प्रियंथा कुमार को बड़ी बेदर्दी से मारा गया और उसके बाद बड़े लोगों ने बड़े बयान दिए वो अब हम ऐसा नहीं होने देंगे ऐसा जो कि मैंने उस वक्त भी शायद कहा था कि देख लेना एक दो महीने बाद इस तरह का एक और वाक्य हो जाएगा और हो गया ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पर रहमतुल्लाल मीन सल्लाह वसलम उनके नाम पे जुल्म किया मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आपने ही इल्जाम लगाया आपने जाजी बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है सारा पाकिस्तान आज यह फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने मियाँ चन्नू खाने वाल में एक मर, एक इंसान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने कुरान को जलाया है उसको पुलिस स्टेशन लेके गए और पुलिस स्टेशन के बाहर झमघट्ठा कट्ठा हो गया बजाय इसके कि पुलिस स्टेशन वाले ये कहते कि हम इसको अदालत के थ्रू सजा दिलवाएंगे उन्होंने उसको रिहा कर दिया और उसको उन जंगली जानवरों के बीच में से बीच में छोड़ दिया ये ऐसे ही है कि आप एक इंसान को भेड़ियों या कुत्तों के जंगली बावले कुत्तों के ग्रोह में फेंक देंगे जाओ भाई अपनी मौज करो हमने आपका कुछ नहीं करना अब आप आईजी सिंध को भी बुला लिया गया कि भाई ये क्या हुआ आपकी पुलिस ने क्या किया और पुलिस वालों का भी इसमें क्या कसूर है क्योंकि वो भी नहीं डरते हैं आपको याद होगा ये प्रियंका कुमार से पहले एक महीना पहले नवंबर में चार सद्दा में इसी तरह एक पुलिस स्टेशन ने स्टैंड लिया था कि हम इस जो गुस्ताखी का जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है हम इसको रिहा नहीं करेंगे पूरे, पूरे के पूरे जमघटे ने इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन को जला दिया तो पुलिस भी डरती है हर कोई डरता मजे की बात यह है कि जो हमें आके गालियां धमकियां वगैरह देते हैं हम उनको कहते हैं यार तुम हम पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हो अगर हमने तुम पे इल्ज़ाम लगा दे तो किस को बचाओ भाग जाते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान काम है ये वाकई बड़ा आसान काम है किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दो ये बंदा सुना है प्रॉपर्टी डीलर था हो सकता प्रॉपर्टी डीलर था तो जाहिर बात है कोई ना कोई लड़ाई होगी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया पहले ये इल्ज़ाम लगते थे सिर्फ क्रिश्चनों पे, हिंदुओं पे, लेकिन अब ये इल्ज़ाम लगते हैं मुसलमानों के ऊपर भी और ये ऐसे ही है ये जितने लोग इसको बीच में से ये शेर बन जाते हैं ये सारे लोगों के साथ ऐसा ही होना आप सबके ऊपर कोई फटा होगा आपका किसी के ऊपर किसी का कोई इश्क मुआशे का पंगा चल गया प्रॉपर्टी का पंगा चल गया आपके हाथ कोई नहीं आ रहा उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दो उसकी तस्वीरों के साथ ये मशहूर कर दो कि इसने गुस्ताखी की है इसने फ्लां फ्लां कोई डॉक्टर इमेजेस भी कर दो आप किस किस को कहेंगे कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया नहीं मैंने ये काम नहीं किया नहीं मैंने ये काम नहीं किया किस किस को ये कहेंगे आप तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस आग में सब जलेंगे और आप देख रहे हैं ये ऐसा ही होगा ये जितना मर्जी आप लोग नारे मारते रहे हम जी बड़े प्यार मोहब्बत वाले आपके मुल्क में बगल के मुल्क में आपने इतना प्रोपेगेंडा किया व जी इंडिया में ये हो गया तो वो हो गया उनके अपने मसाइल हैं लेकिन वहाँ पर आपकी औरत हिंदुओं के बीच में जाके अल्लाह अकबर का नारा मारती है और वो उधर से खड़े होकर जय श्री राम के नारे मारे क्योंकि मैं एक मलहित हूँ मेरे नज़दीक दोनों ही बेवकूफ़ हैं अल्लाह अकबर जय श्री राम इन नारों से कुछ नहीं होता लेकिन उन्होंने क्या इस लड़की के ऊपर वो कुत्तों की तरह पड़ गए जिस तरह आप लोग पड़ जाते हैं अभी एक लाहौर से आई है वीडियो उस पर भी से वीडियो बनाते हैं तीन लड़कियां मॉडर्न कपड़ों में एक ने हिजाब भी पहना हुआ है उसके ऊपर पूरा जमघट्टा पड़ गया अब इसमें भी कह देंगे ये साजिश हुई है जैसे वो मीनारे पाकिस्तान वाली की हुई साजिश हो या ना हो मैं जैसी मर्जी साजिश प्लान कर लूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के बाहर खड़ा होकर उनको गालियां दूंगा उनको उकसाऊंगा उनकी जमूरियत को गालियां दूंगा तो मेरे ऊपर पड़ जाएंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा मैं जितनी मर्जी साजिश कर लूँ ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऐसा होता नहीं है आपके मुआरे में अगर हम कोई औरत साजिश करके दिखाए कि हाँ देखो ये कितने जंगली जानवर हैं अभी देखना मैं नारकली के अंदर जाऊंगी लोग मॉडर्न कपड़े पहन के जाऊंगे लोग मेरे पे कुत्तों की तरह पड़ जाएंगे और वो पड़ गए तो इसका मतलब आपका मुआशरा ऐसा ये जो कहते हैं जी साजिश की है जैसे वो हिंदू उधर से कह रहे हैं वो लड़की ने साजिश की है वो मुस्कान जो है वो प्लान करके आई भाई वो प्लान करके आई या ना या उसने दिखा दिया कि आपका असल चेहरा क्या है लेकिन उनका असल चेहरा आपके असल चेहरे से फिर भी बहुत बेहतर है क्या वो कुत्तों की उस औरत के ऊपर पड़ गए उसके हिजाब खींचे उन्होंने नहीं खींचे उसके बुरके खींचे नहीं खींचे उन्होंने आपके मुल्क में क्या होता है आप चाहे जितना मर्जी शोर शराबा कर ले इसलिए दुनिया आपकी ड्रामेबाजियों को नहीं मानती आपका असल चेहरा यही है जो खाने वाल में नजर आया जो सियालकोट में नजर आया जो चार सद्दा में नजर आया जो मिशाल खान की यूनिवर्सिटी में नजर आया जो आपने जुनेद हफीज के साथ किया जो आपने अभी अनिका अतीक के साथ किया आपका यही चेहरा है। आप जितनी मर्जी छलांगे मारते रहे हमारे मजहब को कुछ ना कहो लोग आपको उतना ही कहेंगे और ये ध्यान रखना कि बरना कुरान डे जैसे दिन जो है पहले तो आप लोग उनको रोक लेते थे ये कब तक रोकोगे कितने लोगों को रोकोगे ये काम शुरू हो जाना जितने बंदे तुम तो इस तरह के मारोगे उसका नतीजा फिर यही निकलेगा क्रिश्चनों को कोई क्यों नहीं बाइबल को कोई क्यों नहीं चलाता क्योंकि कोई को को रिएक्शन नहीं आता हजरत ईसा का कोई को कार्टून बना तो कोई रिएक्शन नहीं आता इसलिए कोई ये काम करता नहीं है आप लोगों को कहते हैं हजरत मोहम्मद सबसे ज्यादा हमारी पसंदीदा सबसे मोस्ट बिलव्ड पर्सन है ये चैलेंज है आपको कह रहा हूं कि मोस्ट रेडिक्यूल्ड और मोस्ट इंसल्टेड पर्सन जो है वो भी आपके हजरत मोहम्मद ही है जितने गंदे कार्टून रसूल अल्लाह के बनाए गए हैं उतने गंदे कार्टून कभी ना हिटलर के बनाए गए ना चंगेज खान के बनाए गए ना आपके पोलिटिकल लीडरों के बनाए जाते ट्रंप के बनाए गए वो चला गया आप खत्म होगी बात लेकिन रसूल अल्लाह का मजाक उड़ता रहता है वो इन लोगों की वजह से ये सारे जो जाहिल हैं अलम बर्दार बने हुए हैं इस्लाम के क्या? इनको ए बी ना इन्होंने कोई हदीस की किताब पढ़ी है इनको कुछ भी नहीं पता बस एक नारा लगा दिया बेवकूफ़ बना दिया गया आप सारों को आप सारे लोगों को बेवकूफ़ बना गए वो जी रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ जो बात करेगा सर तन से जुदा कर देंगे और करना कराना कुछ नहीं होता इन्होंने अभी इनको पुलिस पकड़ती है इनके छतर छितर पोला होता है सारे इनके रसूल को भी ट्रक के नीचे फेंक देते हैं तब कह देते हैं कि पुलिस वाले मेरे अब्बू हैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं

लेकिन इस आग में सब जलेंगे ये जो आग आप इसमें जिसमें तेल छिड़क रहे हैं ये आग आपके घर तक आएगी और आपका अपना बेटा आप खुद या तो इस इल्जाम में फंस सकते हैं या आपको उससे बुरा हाल ये हो सकता है कि आपको सड़कों पर उसी तरह मारा जा सकता है जैसे इस लड़के को मारा गया मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं